केस में मुझे एक कमी जो है यहाँ पर लगी है, प्ले पॉज करने के लिए गेमिंग बोर्ड जो है वो ऑन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अक्ष ठांगड़ी पे। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये वाली एयरबड्स बाय द ब्रांड विंग्स। तो इनको मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। क्या रेट है, कैसी इनकी क्वालिटी, वो अनबॉक्स करने के बाद मैं जो है आपको बताऊंगा। फिलहाल अनबॉक्स करते हैं इनको फटाफट पूरा। मैंने इससे पहले दो ब्रांड के TWS अनबॉक्स करके उनका वीडियो आपको देना हो तो आई बटन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। बोट और नॉइज, नॉइज वाले नॉट रिकमेंडेड है क्योंकि उनका जो राइट वाला एयरबड था उसकी टच ने काम करना बंद कर दिया था 3 दिन के अंदर, तो वो तो नॉट रिकमेंडेड है। आज इन गेमिंग जो है TWS को हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इनकी क्वालिटी। चलिए फटाफट अनबॉक्स करते हैं। तो ये इनका बिल दोस्तों आप देख सकते हैं, इनका प्राइस है 2499 रुपये की जो है मैंने इनको परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। और ये है हमारे विंग्स फैंटम प्रो TWS। तो ये गेमिंग TWS है और कुछ ऐसा जो आपको इनका डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर है विंग्स की ब्रांडिंग, यहाँ पर लिखा गया है फैंटम प्रो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। और लेफ्ट साइड में इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर्स हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है डेडिकेटेड गेमिंग मोड, लेस देन 65 ms लैग, 65 ms जो है इनकी लेटेंसी है, तो गेमिंग में काफी अच्छा जो है परफॉर्म करने वाले हैं। 12 mm का जो है आपको इसके अंदर डायनेमिक ड्राइवर मिल रहा है, तो बेस जो है काफी अच्छी मिलेगी इसमें। MEMS माइक्रोफोन है और IPX5 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस जो है ये TWS है। टोटल जो आपको प्ले टाइम मिलता है इसमें 30 घंटे का मिलता है और फुल टच कंट्रोल जो है इनके अंदर है। तो ये इनका MRP 5499 रुपये जो है इनका MRP है, लेकिन रेट मैंने आपको बता दिया 2499 का जो आप परचेज कर सकते हैं इनको। कलर इनका ब्लैक और ये इसका मॉडल नंबर। इंपोर्ट डेट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं सितंबर 2021 जो इनकी इंपोर्ट डेट है, क्योंकि ये रिसेंटली जो लॉन्च हुए थे। यहाँ पर विंग्स की ब्रांडिंग है। फटाफट इसे भी अनरैप करते हैं और ओपन करते हैं इस बॉक्स को और चेक करते हैं हमारे फैंटम प्रो TWS को। तो ये नॉइज की तरह आपको यहाँ पर स्लाइडिंग वाला जो है बॉक्स मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी कोई सील वगैरह नहीं है, बस वो पॉलीथीन रैप था, उसके अलावा कोई जो है पैकेजिंग नहीं है और काफ़ी इजीली जो है ये ओपन हो जाते हैं। ये देखिए, तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको यहाँ पर देखने मिलती है। सबसे पहले जो हमारे ईयरबड्स हैं वो बाहर रखे हुए आपको दिख जाते हैं और ये है इनका केस। फिलहाल चेक करते हैं इन बॉक्स कॉन्टेंट्स, इनको रखते हैं साइड में। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलता है कि ये वारंटी कार्ड, नो SL गारंटी, कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स, एक ये USB टाइप ए टू टाइप सी की चार्जिंग केबल आपको इसके अंदर मिलती है, यूजर मैनुअल। तो बस बॉक्स के अंदर यही सब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो दोस्तों ये हमारे TWS और ये इनका केस। तो चलिए बाहर निकालते हैं इनको इस पैकेजिंग से। तो कुछ ऐसा डिज़ाइन जो आपको यहाँ पर देखने मिलता है इन ईयरबड्स का। यहाँ पर है विंग्स की ब्रांडिंग, दोनों तरफ एरोगी स्टाइल की लाइटिंग जो आपको इसमें मिलती है और यहाँ पर आपको रबराइज जो है टेक्सचर मिलता है इसमें। ये देखिए, ये जो है प्लास्टिक है और यहाँ पर माइक, और थोड़े से जो है हैवी लग रहे हैं मुझे ये, और साइज़ भी इनका कुछ डिफरेंट सा यहाँ पर बनाया गया, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये है इनका केस, यहाँ पर विंग्स की ब्रांडिंग और ये डायमंड की शेप वाला जो आपको यहाँ पर केस देखने मिलता है, जो कि गेमिंग लुक जो है आपको प्रदान करता है। और इसका वेट भी जो है मुझे काफ़ी लग रहा है, यहाँ पे लाइट वेट नहीं है इस केस का वेट जो है ज़्यादा, और ईयरबड्स का भी वेट जो है मुझे थोड़ा सा लग रहा है, यहाँ पे लाइट वेट नहीं है ये। और ये देखिए ईयरबड जो है चालू हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इनकी क्वालिटी की। तो क्वालिटी मैं कहूँगा प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक जो है यूज किया गया है। और केस में मुझे एक कमी जो है यहाँ पर लगी है, वैसे लुक वाइज ये काफी अच्छा है, मैट फिनिशिंग के साथ ही आता है। बस कमी जो मुझे यहाँ पर लगी है वो है इसको ओपन करते वक्त, ओपन करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रिप जो है देनी चाहिए थी इन्होंने, लेकिन कोई ग्रिप जो है यहाँ पर नहीं है, तो हमारा हाथ जो है यहाँ से स्लिप होता बार बार, तो ग्रिपिंग अगर होती तो और भी अच्छा होता। ये जो है इसमें कमी लगी है मुझे। केस में आपको मिलता है ये टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट। और अब बॉक्स ओपन करके देखते हैं हम। तो ये देखिए आपको यहाँ पर ये लाइटिंग भी मिलती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी यहाँ पर लग रही है, आप देख सकते हैं। तो
ये देखिए, अब देखिए इनकी कुछ ऐसी लुक जो है लगती है। और मैग्नेट भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ये राइट वाला ईयरबड है और यहाँ पर लिखा है लेफ्ट। और बंद करने के बाद जो है इनकी लुक कुछ ऐसी लगती है ये देखिए। ये लाइटिंग इफेक्ट भी जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है, तो ट्रांसपेरेंट जो है इसको बनाया गया है। चलिए अब फटाफट इनको करते हैं पेयर। तो इनमें भी आपको वेक एंड पेयर की टेक्नोलॉजी मिलती है। तो जैसे ही आप इसकी लीड को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ ऑन करना है जो कि पहले से ऑन है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा गया विंग्स फैंटम प्रो, पेयर हो चुके दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% जो है इनकी बैटरी है। अब इनका टच रेस्पॉन्स जो है वो चेक कर लेते हैं। पहले प्ले पॉज करने के लिए वही डबल टैप, ये देखिए गाना जो प्ले हो चुका है। किसी भी ईयरबड पे आप डबल टैप करेंगे गाना प्ले पॉज हो जाएगा। वॉल्यूम अप करने के लिए राइट वाले ईयरबड पे आपको सिंगल टैप करना होगा तो वॉल्यूम अप हो जाएगी। डिक्रीज करने के लिए लेफ्ट वाले को सिंगल टैप, डिक्रीज हो जाएगी। तो राइट वाले को 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं तो गेमिंग बोर्ड जो है वो ऑन हो जाता है और आवाज़ कुछ ऐसी आती है, आपने सुना होगा कुछ इस तरह का जो है आपको आउटपुट सुनने को मिलता है। तो चलिए अब गाने जो है प्ले करके देख लेते हैं कैसा इनका ऑडियो आउटपुट। तो दोस्तों ये हमारे TWS, देख लेते हैं चेक करके कैसे इनकी फिटिंग और लुक। तो फिटिंग भी अच्छी है और लुक आप देखिए कुछ ऐसी लुक जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नॉइज कैंसलेशन भी काफ़ी अच्छी है। गाने जो है प्ले करके देख लेते हैं कैसा इनका साउंड आउटपुट। तो दोस्तों म्यूजिक आउटपुट भी काफ़ी बढ़िया है, बैलेंस साउंड जो आपको यहाँ पर सुनने को मिलता है। और ये है इनका केस, तो केस के बारे में मैंने यहाँ पर बोला था ये LED लाइट है, लेकिन ये इसका रीसेट बटन है। लाइट तो इसमें यहाँ पर दी गई है जो ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। और इस केस की जो बैटरी मैं बताना भूल गया था, इसके अंदर है 500 mAh की बैटरी, तो इसके थ्रू आपको 30 घंटे का जो प्लेबैक टाइम इनके अंदर मिलता है। ओवरऑल जो क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया जो है ये देखने में लगते हैं और बिल्ड क्वालिटी तो है ही। अगर आपको परचेज करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।